الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بہترین سپیکر چل رہا سی میں اتنا خوش سا اندروں کہ میں دعاواں دین لگ پیا سینو بھائی نو ویڈیو والے نو کہ یا اللہ انج دے بھائی سانو ہر تھان تے دے جزاک اللہ میرے ذمے جو بات لگائی گئی ہے وہ میں عرض کراں گا انشاءاللہ کیونکہ میں آیا اللہ توفیق دے گا اللہ کرم کرے گا اللہ رحمت کرے گا لیکن میں پھر وہی گل کراں گا کہ ہو سکے تے خالی جگہ پر کر لو مینوں شک پیندا تسی ذمہ دار ہو تے ذمہ دار نہ پاڑا رہن دیندا تے نہ پہلی دے اندر وٹاں دے سجے کھبے جڑی نکرا ہوندیاں نے نا अगर उ कुछ ना हो तो कई लैके उस जगह पोलिया करके नाल मिला लेंद मैं अल्लाह की रजा ही कह रहा कि इस जगह खाली न पुर करो जड़ा नहीं मन रहा मैं समझना किसी है ही उस कौम नाला कि जी कौम ने कभी भी नहीं मनी फजल रहमान मुल्क वास्ते नहीं अपनी जात ली कहना डंडे लैके आ जाओ उसकी कौम नसी लगी आँदी है तो साड़ी कौम आँदी है या अल्लाह झूठ ही हो जाए मौलवी जड़ी गल कर रहे आप ही अमल करे तो आप ही करी जाए या अल्लाह मेरी कौम नूं भी थोड़ा जिहा ऐसा जगा कि हमेशा ही जागती रहे इन्हां दी गफलत ते सुस्तियां मेरे मालिका तू दूर फरमा दे मेरे भाईओ टाइम बहुत थोड़ा है मेरे सिम्मे जड़ी बात लगाई गई है वह है माँ बाप वालिदैन की ताजीम वालिदैन का अदब वालिदैन का एहतराम वालिदैन का मकाम मैं अगर तफसील अंदर जावांगा
बहुत वक्त चाहिए। मैं अपने भाइयों बुजुर्गों अजीजों दोस्तों और सब तो पहले मुनाजरे इस्लाम मुतकल्लम जमा हजरत फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हक हकानी साहेब हाफिज़हुल्लाह ताला चूंकि स्टेज के तशरीफ फरमा ने थोड़े खतीब व इमाम पैकर अखलास मौलाना यूसुफ हाफिज़हुल्लाह इन्हां दी मौजूदगी दे अंदर एक बात अरज करके ते कुरान पढ़ा। बाप और मां इस चक तो निकलो तकरीबन 12 साढ़े 11 किलोमीटर सफर बनता है 14 पुल का। पुल 14 जहानिया तो ट्रक गुजरेगा उदी बैक साइड ते एक जुमला है मां जन्नत की सुते रहो दम करा लो कहानी सब आज दम कर दिया जी इन्होंने थोड़ी मेहरबानी। मां के कदमों के नीचे मां वाले बोलन मां के कदमों के नीचे। मैं थोड़ा जिहा होर अगे गया कैरी डब्बा और उस कैरी डब्बे दे पीछे जली हरूप ना लिखे है कि मावा ठंडिया बोलिया जरा मावा ठंडिया छावा। थोड़ा जिहा होर अगे गया गाड़ी की बैक साइड ते लफज है और लफज जली हरूप अंदर मोटिया लफजा ना लिखे है ये सब मां की दुआओं का बोले आज हजरत मोबाइल फिर नहीं मिलना तो मैं जी लाइव चला लो बादशो किडे सोने लग रहे हो तुम माशाला माशाला किडा सोना रुमाल किडे सोने कपड़े बड़े पप्पू हो माशाला अल्लाह तुहाडे पप्पू पुणे च होर बरकत फरमाए यार कह दो आमीन माशाला तवज्जो करे जे तवज्जो अल्लाह कबूल फरमाए। लिखिया हुंदा है ये सब मां की दुआओं का असर है। थोड़ा जिहा होर अगे जाओ मोटे हरूप ना लिखिया हुंदा बड़े प्यारे अल्फाज ने कि ये सिला ये सब सिला मां की दुआओं का। मैं हर जगह ते मां बल्कि मैं मौलाना नु सुनिया इन्हां नु नहीं बहुत सारे वाइस खतीब मुकर्रर मुबल्लग लिखिया नजर आया कि मां मरी ते रिश्ते मुक गए। तुहानू भी याद है मां मरी ते रिश्ते मुक गए रिश्ते होंदे क्या ठीक लिखिया उन्होंने जिन्हें भी लिखिया क्यों हजरत पढ़ने वाले ठीक पढ़िया। मेरे महबूब ने फरमाया रिश्ते तोड़ने नहीं रिश्ते जोड़ने ने। जिदा कलमा पढ़ी दा ओदे आखे लगी दा ये जदों अल्फाज वेखे मैं आखिया मौलाना मां मरी ते रिश्ते मुक गए इदा मतलब मामू खत्म खाला खत्म दन्याल दे जितने रिश्तेदार ने उन्हां अंदर सब तोड़ दिते ने नानी नाना मामू खाला ये सब मौजूद ने क्यों तोड़ रहे हैं। ओ भाइयो हकीकत की है कि मैं कहना कि मां दी अजमत दा इनकार जरा बोलिया जे यार थोड़ा जिहा मां दी अजमत दा इनकार नहीं पर गल की है सोशल मीडिया मीडिया वार है कोई यलगार पाकिस्तान ते कर रहा कोई पाकिस्तान दे इदारियां ते कर रहा कोई पाकिस्तान दे नजरियात ते कर रहा और तुसा इंशाअल्लाह जदों भी खलोना किदे नाल खलोना पाकिस्तान नाल किदे नाल अल्लाह दा वास्ता जे थोड़ा थोड़ा बोल छड़ो यार किदे नाल खलोना कि इंडिया नाल खलोना जे इंशाअल्लाह इंडिया दी ओ मत मारांगे जेडे मेरे मुल्क वल हाथ ते उंगलां उठन गियां इंशाअल्लाह अखां कढ़ देंगे हाथ तोड़ देंगे इंशाअल्लाह और ये पाकिस्तान रहेगा। हौली नहीं जरा उची कहो इंशाअल्लाह
और एक गल का जवाब अल्लाह वास्ते दे दिया जे इस परचम के साए तले हम हां बल्ले हो सजा दे इस परचम के साए तले हम एक है इंशाल्लाह। बहरहाल गल हो रही सी बड़ा जनाब रौला पिया कि औरत ना होंदी ऐ ना होंदा औरत ना होंदी औ ना होंदा औरत ना होंदी गल ना बनदी औरत ना होंदी यानी कि औरत दा प्रोपेगंडा करके ऐसा सवार कीता जा रहा है किधरे हकूक निस्वा एक्ट लिया के आए नून लीग दी इक्तदार दे अंदर की नहीं होया तुसी भुल गए जे मैं नहीं भुलिया जबर जुलम ज्यादतियां ना इंसाफियां उलमा दे गिरेबान दाड़ियां नोचियां गईयां मदारस दा ताकुब कीता गया नून लीग दौर अंदर मैनू किसे नाल हमदर्दी नहीं लेकिन दाड़ी नाल हमदर्दी जरूर है किसे दी सियासत नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मिंबरों मेहराब दे वारसा नाल मेरा ताल्लुक जरूर है। इस वास्ते अर्ज करा कि उदों हुकूक निस्वा एक्ट लिया के आए नून लीग दा इक्तदार सी बरसरे इक्तदार लोगों ने अजीबो गरीब माहौल बनाया मेरी समझ अंदर गल सिर्फ कुरआन दी आउंदी है या सोने मुहम्मद दे फरमान दी आउंदी है जरा हौरी जी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दी चाहिदा 16 लाइनां दा अजीजान मन आ मेरे आ मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे कलबे अतहर ते रब दा कुरान आया तवज्जो इना लफ्जा वल माशाअल्लाह ओना को कर जितने ना चीका ना वज्जन मेरे आ मुसलमान पीरा रब दे कुरान दी तिलावत करा सब तो पहले आगाज करा अल्लाह दे कुरान दी आयात तो जेड़ा कहिंदा सिर्फ औरत औरत मर्द दी गल कोई ना ओना ते अगे अर्ज करांगा सब तो पहले नंबर ते रब दे कुरान दी तिलावत करा चौथा पारा सूरह निसा की पहली आयत पढ़ा या अय्युहन्नासु तक्कु रब्बकुमुल्लज़ी خلقكم من نفس واحدة میرے یا ایرا توجہ کرنا ہے نا لفظاں وال میرے مولا تیرے خزانے دے اندر سب کو جے اللہ اپنی رحمت فرما دے میرے مولا اپنا کرم تے فضل فرما دے آ میرے یا ایرا میرا دل کردا ہے ایک دفعہ سٹ تے آپ جاواں دوبارہ پھر آواں پر انج نہیں ہوئے گا انشاءاللہ جو اللہ توفیق دے گا عرض کر کے اجازت چاہواں گا अय्युहन्नासु तक्कु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसा मेरे अकीरा कुरान ने दसिया पहले कौन आया इस दुनिया के अंदर मेरे अकीरा वजूद किदा आया कौन इनु अल्लाह ने पहले पैदा किया मेरे अकीरा सोशल मीडिया होए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया होए अज दुनिया ने शोर मचा दिता अज यहूदो हनूत दिया एजेंटा अजीबो गरीब जिहा माहौल बना दिता मेरे अकीरा जेड़िया इज्जत औरत नु इस्लाम ने दितियां दुनिया दे किसे मजहब नहीं दितियां जाओ सारी दुनिया दे मजहब दा मुताला करो जो अल्लाह ने औरत नु इज्जत मुकाम बकार हया दिता इस्लाम ने मेरे अकीरा दुनिया दे किसे मजहब दुनिया दे किसे दीन दे अंदर ऐसियां अजमत साना कोई ना मेरे खालिक ने सब तो पहला जिन्हों पैदा किया हजरत आदम अलैहि सलाम ने रब दा कुरान ऐलान कर या अय्युहन्नासु तक्कु
मेरा खालिक ऐलान कर दे हर एक आखिया डर जाओ कि ऐलान कर मेरे अपीरा एक जान तो एक चीज तो मेरे अपीरा फर्दे वाहत तो मेरे अल्लाह औरत नु पैदा किया मेरे अपीरा सौ बनी आदम मेरा खालिक ऐलान कर दल अलम आहद इलैकुम या बनी आदम मेरे अकीरा कौन जिनो पैदा किया वाइज आखादा रब्बो कर मिन बनी आदम मिन सुहूरिहिम मेरे अकीरा हजरत आदम अलैहि सलाम नु पैदा किया मेरे खालिक मेरे मालिक मेरे अल्लाह ने मेरे अकीरा बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार नाल चंद बातां अर्ज करके इजाजत चाहांगा सब तो पहला वजूद आया बाप दा दुनिया कहंदी है औरत ना होंदी कुछ ना होंदा औरत नो चरा इस तरह पेश कीता गया कि इना दी गल ही कोई नहीं जिस तरह मुआशरे ते अंदर बंदे कहंदे ने मां मां ते मां तो सिवा गल कोई ना अज मैं अर्ज करांगा दो तीन आयात पढ़ के ना मैं मां दी अजमत दा इनकारी आं ना बाप दे मुकाम दा इनकारी आं ओदी वजह के मेरे अल्लाह ने मेनू कुरान दी दौलत नाल माला माल फरमाया मेरे अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर अलैहि सलाम दिया बातां नाल मोहब्बत करन दी तौफीक बख्शी है और मुसलमानों आओ सरा इना लफ्जां ते गौर करन लाओ सब तो पहले नंबर ते मार से वजूद अंदर आया ते कौन है बाप आया या मां आई अच्छा इत्थे मैं मां दी अजमत बयान करदा हुंदा ना इन्हां चो कईआं रोणा वी सी सच्ची गल है तो कई ने ना वैन भी पाने सन पता नहीं की गल है तुसी भी लग ही गए हो हालांकि मैं सच कह रहा कि पहला बाप आया कि माँ हवा आई है बाप का नाम की है आदम अलैहिस्सलाम मौला इन्हां बापा नूं बोलन की तौफीक दे दे अल्लाह अजीज़ा निमन आ मेरे आ मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका दे कलबे अतहर तेरा बदा कुरान आया पंद्रवा पंद्रवा पारा मैं कुरान दी तिलावत कराओ मेरे अल्लाह दा फैसला आया मेरे अल्लाह दा आर्डर आया मेरे अल्लाह दा हुक्म आया हजरत शेख अब्दुल हक हकानी उलमा दी मौजूदगी दे अंदर कारी अब्दुल बासर साहब ने भी माशाल्लाह बड़ा सोहना कलाम पढ़िया अल्लाह इन्हां दे कलाम बरकत फरमाए आमिर या इरा कुरान पढ़ना चाहना ओ वका रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इया आमिर या इरा सब तो पहला फैसला सब तो पहला हुक्म सब तो पहला आर्डर किए अल्ला ताबुदु इल्ला इया आमिर या इरा इबादत कर मेरे अल्लाह दी मेरा खालिक ओ मालिक कह रहे आओ मेरा दाता अला कुल शैइन कदीर कह रहे आओ अल्लामुल गयूब कह रहे आओ फआलुल लिमा युरीद कह रहे आओ मेरे अकीरा अलीम बिजाति सुदूर रखे आओ ये सब तो पहला फैसला इबादत मेरी करनी है मेरे अकीरा बंदगी अल्लाह दी कर और दूसरा फैसला हुक्म ते आर्डर आया व बिल मेरे प्यारे उस्मान साहेब अल्लाह तुहाडी टीम नूं जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे प्यारे उस्मान जिन्ना दोस्ता तावन कीता जिन्ना इहतमाम कीता इंत
इंतजाम किया मेरी सब वास्ते दुआए और मैं ये कहांगा मौला जिन्ना ते मापे सिंदा ने सेहत वाली आफियत वाली जिंदगी अता कर जिन्ना ते मापे फौत हो चुके ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश ते मगफरत फरमाओ वबिल वालिदैन इहसाना इहदा तर्जमा हुण इह वे जिहड़ा पढ़िया ना मैं वबिल वालिदैन इहदा तर्जमा इह वे अल्लाह मैनूं मुआफ फरमा दी तर्जमा इह वे कि माँ की खिदमत करो तो प्यो न चंगा टका के गोडा फेरो तर्जमा इह वे इहदा तर्जमा इह वे कि सिर्फ माँ नूं मोढ़िआं ते चुकना तो प्यो नूं थले शायद की ख्याल इंजी है वो इंजी है आंदे ने नहीं दू तिना ने आख्या सिर्फ दू तिना ने आख्या नहीं यदा मतलब एवे इन्हों पता है तो चुप क्यों ने गल कि गलत ना कर लीए वह सच्ची गल इंजी है कि अल्लाह कहिंदा माँ ते बाप दोवां नाल की कर नेकी कर की कर बोलो तो सही नेकी कर किन्ना नाल माँ बाप नाल लो मैं एक कुरान की आयत पढ़ के हुण अगे चला अज़ीज़ा ईमान आ मेरे आ मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे कलबे अतहर ते रब दा कुरान आया आ मेरे अपीरा सूरा निसा दी तिलावत करन लगा और सूरा निसा पंजवा पारा रब दे कुरान दियां बोलियां अल्लाह दा कुरान पढ़ना चाहना वाह कुरान तेरी असमत तो सदके जावा मेरे खालिक और मालिक ने आख्या वाह अबूदुल्लाह वाला तुसरी को भी सही आ मेरे अपेरा मेरे खालिक ने आखे आओ इबादत की दी करनी है मेरा प्यारा खतीब मेरा सोहना खतीब मुबल्लग इस्लाम खतीब इस्लाम राणा तलहा अल्ताफ अल हुसैनी साहब अस्टेज ते तशरीफ लै आओ हजरत हकानी साहब दे कोल आ जाओ हजरत यूसुफ दे दरमियान बैठो आ मेरे अपेरा मेरे खालिक ने आखे आओ मेरी जातो सिफात दे अंदर किसी नु शरीक ना ठहराना इबादत बंदगी सिर्फ मेरी करना अगला हुक्म किए वबिल वालिदैन इहसाना जिहड़े कहिंदे ने सिर्फ मां दी असमत सिर्फ मां दी असाना वह भी इहो ही कुरान की तिलावत करते ने इस आयत नु पढ़ते ने जनाब पंद्रवा पारा इहदी तिलावत करते ने सूरा बनी इसराइल नु पढ़ते ने लेकिन अंदाज सुनना ताकि ये अल्लाह मुआफ़ फरमाए कुरान दी आयतो पढ़िए वबिल वालिदैन इहसाना जिते अंदर माँ बाप दा तस्कराओ लेकिन कली माँ दी अजमत बयान कीती आओ थोड़ा जिहा होर अगे चलीए इस जगह ते रब आखिया माँ बाप नाल वबिल वालिदैन इहसाना इहदा तर्जमा ये बनेगा माशअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि माँ तुझे सलाम बाप दीवारी आएगी ते बाप नू कूरियां कड़ कड़ के डरांगर अल्लाह मुआफ फरमा दे रब दा कुरान पहला पारा मैं और मुकाम पढ़ा तीसरी आयत दी तिलावत करन लगा व इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना इत्थे अल्लाह अहद लिया बनी इसराइलियां तो पहले इबादत दा ले आओ बाद अंदर आखे आओ वबिल वालिदैन इहसाना अमीर अकीरा माँ बाप नाल इहसान आख्या गया माँ बाप दे नाल नेकी दा आर्डर मिले आओ तवज्जो इन्हां लफ्ज़ां वल हुण मैं होर अगे चलना चाहना मेरे पाक पैगंबर आले सलाम कौन पैगंबर बस सुहादे चेहरे वाला वल्लाह दिया कालिया सुल्फा वाला अलम नसरह लका सदरक दे सीने वाला माजा गल बसारो व मात गा दिया अखियां वाला व मार मईता इसरा मईता दे हत्ता वाला कौन पैगंबर उच्ची
ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਆਨ ਵਾਲਾ ਭਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਭਲੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਜ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਲਿਲਾਹਿ ਅਲਹਮਦ। ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ, ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਏ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਬੀ ਚੰਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਬੀ ਚੰਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਖਤਮੁਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਰ ਸਜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਬੀ ਚੰਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲੋਗੋ ਵੱਲ ਕਮਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲੋਗੋ ਵੱਲ ਕਮਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਲਿਲਾਹਿ ਅਲਹਮਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਬੀ ਚੰਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਬੜਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਗੋ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਬੜਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਗੋ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਜਿਸ ਸੁਨੋ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਲੋਗੋ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ੀਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਡਾਚੀ ਤੇ ਸੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਡਾਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਸਵਾਰੀ ਫਲਾਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਡਾਚੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਤਵੇ ਨਾ ਠੋਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੀਆਂ ਤਜੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਵਰਨਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰੇਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਇਮਾਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੱਲ ਆਇਓ। ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਕੀਏ। ਆਂਦਾ ਅਈਉਲ ਅਮਾਲੀ ਅਹੱਬੁ ਇਲੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹਸਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਆਲਮਗੀਰੇ, ਜਿਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾਵਤ ਹੱਕ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਆਮਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਮਾਲ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ
السلام نے فرمایا اور میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جے آؤ جگ وچوں لبدائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلات لوقتها اول وقت نماز ادا کریے حکم رب دا کدے بھلاویے نہ صحیح وقت تے جو نماز نہیں ادا دے او اللہ تے رسول کولو مرتبے نہیں پاندے او مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں دے غلاموں انہاں لفظاں تے سرا غور کرنا میرے پیغمبر کے سب تو پہلا عمل الصلات لوقتها صحیح وقت تے نماز ادا کرنا پنجابی دی کہاوت تے محاورہ پنجابی دی ایک مثال ہے ویلے تے نماز تے قویلے دیاں ٹکراؤ او مسلمانوں جڑا صحیح وقت تے نماز ادا کردا ہے عمل بہت پیارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پوچھے آؤ آقا پھر کیڑا عمل ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسے آؤ توجہ انہاں لفظاں مل کام لاؤ میں پیغمبر دیاں باتاں پیش کر رہے آؤ میں حدیث مصطفیٰ تیرے سامنے رکھ رہے آؤ میں تے وکیلا میں تے دائی آؤ میں تے نوکرا ان علماء آؤ الحمدللہ میں تے خادمہ ساری عمر خدمت دے اندر چاہنا واؤ زندگی گزر جائے اور چاہنا مولا جدوں وی موت آوے تیریاں باتاں سنا دے آؤ تیرے پیغمبر دیاں گلاں کردیاں آؤ موت آ جاوے آ میرے اخیرا جدوں ویکھے آؤ میرے پیغمبر نے فرمایا قال بر الوالدین آ میرے اخیرا اے دا ترجمہ وی اے ہوئیے اے ماں باپ دے نال نیکی کریا کر ماں باپ نال اچھا سلوک کریا کر ماں باپ دیاں تعظیم آؤ ماں باپ دیاں توقیر تے احترام کریا کر او مسلمانوں اس جگہ تے میں اظہار کراؤ میریاں دلیلاں قرآن چو میں چار ایتاں پڑھی آؤ اگلے الفاظ میں پہلی حدیث پیش کر دیتی اتے اندر ای میرے پیغمبر نے پہلا حکم پہلا آرڈر عبادت دا دسے آؤ اور دوسرا ماں باپ دے بارے دسے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا حبیب خدا احمد مجتبی میرے پیارے نبی رہبر کامل نے ارشاد فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پیارا تے لاڈلا تے شہزادہ صحابی قریب آیا آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جنت کیویں ملے گی جہنم تو کیویں بچیا جائے گا جہنم دا داخلہ جڑا چاہندا او ایدے تے عمل کرے گا کی مطلب کہ ماں باپ دیاں نا فرمانیاں جڑا چاہندا جنت دا داخلہ ملے گا انہاں واسطے میرے پیغمبر دیاں باتاں حجت دلیل بن گئیاں میری سرکار نے آکھے آؤ جے تو جنت جانا چاہنا ہو ماں میرے اقیرا میرا دل کیتا میں قرآن دی تلاوت کراؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے وقا رب کا اللہ تعبدو وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما صرف نحوی عالم آنے الحمدللہ میں تے طالب علم آؤ میرے پیچھے بیٹھن والی ایک قطار لمبی تی لمبی انہا سارا بھائی شریف و سر بندی آؤ بڑیاں سربا لگائی آؤ میں تے ادنا جیا طالب علم آؤ انہا سر دی نحوی اتبار نال ترجمے کرنے نے میں سادہ جے لفظہ اندر کہیں آؤ میرے خالق نے آکھیا تیرا ماں باپ اتے اندر کلی ماں دا تذکرہ نہیں بلکہ آکھیا کیے والا تنہر ہما وقل لہما قولا کریما انہا تمہا دے
बारे आखिया इन्हों छिड़क ना देना इन्ना के उची ना बोलना इन्ना ते अके उफ भी ना करन लाओ इन्हों दुआ के बारे मेरे खालिक ने आख्या इस वास्ते मैं कहना बाप की इज्जत करया कर मां की खिदमत करया कर आओ थोड़ा जहा होर अगे चलीए मेरी सरकार मेरे पैगंबर ने आख्या हो जन्नत का वनारु का तेरी जन्नत तेरी जहन्नम तेरे घर अंदर इन्हां दीआं खिदमतां करके चाहे जन्नत हासिल कर लै इन्हां दीआं नाफरमानियां करके भावे जहन्नम दा ईंधन बन जाओ ओ मुसलमानो अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम आए ने मेरे आका आए ने मेरे मुस्तफा आए ने मेरे मुजतबा आए ने मेरे रऊफ ते रहीम आए ने मेरे आका मदनी करीम आए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो इना लफ्ज़ां मल मेरे पैगंबर आए ने गलियां मदीने दियां ने गलियां अल्लाह जेडे बोलने लै जा मदीने इन्हां नूं आ हुण कोई थोड़ी जी आवाज आई है आमीन दी अल्लाह इन्हां सारियां नूं बोलण दी तौफीक दे दे मेरी सरकार मा बई ना बई थी वमिंबरी रोजा तो मिर रियाजिल जन्ना गलिया मदीने दी टुरदिया टुरदिया जाके सीधे बैठ के किथे मिंबर ते जदों पहली सीढ़ी ते कदम आया ते की आखिया बोले ने की आख्या दिल लगदा है मुहम्मद दे कानी साहब थोड़ा जा टाइम है तुसी सोच लो आज तुहाडा मौजू है वे दरूद पढ़ना चाहिदा ते जरूर पढ़ना चाहिदा ते जिहड़ा नहीं पढ़दा ना नाम सुन के वह कौन है दस्या जे इन्हां नूं मेरे तो बाद पता इन्हां नूं वैसे है जे अल्लाह करे कि यह कुरआन सुनन वाले ते जनाब अगो माशाला जजाक अल्लाह ते फल खान वाले बन जाण अल्लाह नसीब फरमा दे दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच मैनू तरोई फिरो ना इन्ना शहरां दे विच मन मंगदा है मैं रौसे दे पास होवां उस जन्नत चो उस जन्नत चो उस जन्नत चो कदे ना उदास होवा लिखिया जावा बिलाला खुबैबा दे विच दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच ओ मुसलमानो सरा इना लफ्ज़ां ते गौर करे आज मेरे पैगंबर आए ने मेरे आका आए ने आमीना ते लाल ने कदम उठाए ने ते मेरे पैगंबर ने पहली सीढ़ी ते कदम टिकाया मेरे पैगंबर आखे आए आमीर मेरी सरकार ने तुझी सीढ़ी ते कदम रखे आओ ते सुबान चो आखे आओ आमीर ए कौन है जिदे बारे मैं ऐलान कर लाओ मुसलमानों एदे जिहा दुनिया ते आया कोई नहीं रब ने इंज दा बनाया ही कोई नहीं मेरे पैगंबर ने जदों तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया फिर आखिया आमीन मेरे पैगंबर दे सहाबा आए ने मेरे पैगंबर दे गुलाम आए ने ते मेरी सरकार दे गुलामां ने आखिया आखिया सुनियो इस तो पहला तुसा आमीन आखिया कोई नहीं अज क्यों आखिया जे ते मेरी सरकार ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां उन्हां चों मैं ओह करां जिहड़ी मेरे मुतालका गल है मेरे पैगंबर आखिया जिबरील आया सी कौन आया सी कौन आया सी फिर बोलो कौन आया सी दरवाजे ते आया जिबरील आया ते जिबरील की कह रहा है अल्लाह ओ हलाक हो जाए उदा बेड़ा गर्क हो जाए तबाह हो बर्बाद हो जाए खाक अलूद उदी नोज हो जाए कि जिदे जिंदगी दे अंदर बाप ते मां बाप ते
मां ये दोवें आए ने या दोवां चो एक आया ते उन्हें खिदमत करके रब दी जन्नत हासिल ने की थी ते मैं की आख्या आमीन। इत हूँ बाप ते मां का तस्करा या कली मां का तस्करा है। बहरहाल हूँ मेरा दिल है कि मैं अपना मौजू शुरू करा, लेकिन हूँ वक्त मेरा जो मेरे घड़ी ते जो मैनू दिता गया जो मैनू बिल्कुल हुक्म फरमाया गया उदे मुताबक सिर्फ 5 मिनट बाकी ने ते सुन लो फिर। सब तो पहली गल मैं शुरू की थी सी कि बाप कौन बोले नी कौन अजीजान मन आ मेरे या मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मेरे आका दे कलबे अतहर ते रब दा कुरान आया। मैं कुरान दी तिलावत करना चाहना हूं मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामो ये दुनिया दे अंदर मां बाप दियां बड़ियां इज्जत अजमत शाना ते मुकाम ते वकार रखे आओ। अज मैं अरज करा बाप दुनिया ते ऐसा साया है बाप ऐसा दरखाते और खाना दरखाते मेरे अपीरा इस बाप तो बगैर मैं थिया रानियां रोलदियां वेखियां इस बाप तो बगैर मैं बेटियां नू जनाब रोलदियां वेखियां इस बाप तो बाद मैं बच्चियां नू जनाब अपने मापियां दे दरवाजे ते आउंदियां वेखियां ते आउंदियां रोंदियां ने जांदियां रोंदियां ने। मैं आखिया मेरी बहन वजह की है जवाब आया बाप होंदा सी अपनियां डिमांडा कर लैंदी साओ अपनिया गल्ला मनवा लेनिया अपनिया बातां सामने रख देनी आओ अगर भैया नू कहना ते भैया भाई ने ना मनना बाप ने इस तरह आवाज देनी इशारा करना ते आखना मेरी शहजादी मेरे दिल दा टुकड़ा मेरी कली आ जाओ मेरी सरकार मेरे पैगंबर ने भी आखे आओ तवज्जो इना लफ्जां मल आखे आ फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा आ मेरे अपीरा फातिमा कौन है मेरे पैगंबर दे दिल दा चैन औरत नू मर्दां दे बराबर खड़ा कर दिता जाए औरत नू बराबर मर्दां दे हुकूक दे बराबर लै आता जाए इंज ना करिया कर इहदे बाप बन जावे ये बेटी नाल प्यार कर दर। मेरे पैगंबर ने आखिया हबीब खुदा ने आखे आओ इस बेटी की शफकत की वजह तो इस बेटी दिया मोहब्बत की वजह तो इस बेटी के हकूक अदा करने की वजह तो अल्लाह ने इस बाप को इनिया इज्जत अजमत दीतिया। कल कयामत का दिन होएगा जिस तरह मेरिया अतो उंगलियां चमाओ ये बाप जिन्हें बेटी नाल मोहब्बत की बेटी का एहसास किया बेटी नाल शफकत की कल कयामत के दिन मेरे नाल जिस अपनिया बहना अपने दरवाजे तो उठाया उन्होंने तरबीयत करके उन्होंने प्यार मुहब्बत मुवद्दत शफकत करके इन्हों दरवाजे तो उठाया इन्होंने शादी ब्याह कर दी या इन्हों तो अलग हो गया मालिक को चला गया इदे ते मौत आ गई या हमसीरा ते मौत आ गई हमसीरा दिया तरबीयत परवरसा की वजह तो भाई जन्नत का हकदार बनेगा ते जन्नत दे अंदर मेरे नाल होएगा। तीसरी गल जे तेरी ए औरत ए औरत तेरी सौजा ए औरत तेरी बीवी ए औरत तेरी वाइफ ते अहली आओ ए हुरमा तेरी अगर ए औरत तेरे नाल मन कोहा निकाई गई है इहदे नाल तू चलना चाहना ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया ए दुनिया दियां जायदादां ए दुनिया दियां प्रॉपर्टियां ए दुनिया दा सीमो सर ए दुनिया दा मालो मता ए दुनिया दा सोना चांदी ए दुनिया दे दिरहम और दीनार इन्हां सारियां चो कीमती चीज तेरी औरत ते तेरी सौजा तेरी बीवी है। और मुसलमानों जदों मैं होर अगे निकले आओ
इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करन लाओ। ये जदों मां बनी है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया इहदे कदमां दे थल्ले अल्लाह जन्नत रख दित्ती है। इस वास्ते मैं कहना मां होए ते औरत आ मेरे अपीरा बहना होए ते औरत तवज्जो बेटी होए ते औरत इस जगह ते सौजा बीवी औरत जिस रंग अंदर भी इहदी असमत इस्लाम ने दसे आओ आओ मैं अगली गल कराओ। ये दुनिया के अंदर बाप ऐसा साया है अल्लाह की कसम उठा के आनाओ मेरे दिल अंदर ख्याल आयाओ हबीबे खुदा ने फरमायाओ अहमद मुजतबा ने फरमायाओ मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी जुबाने नबुव्वत चो निकले आओ जमीन ते तेरा बाप राजी अरसा ते परवरदिगार राजी जमीन ते अब राजी अरस ते रब राजी हो जाएगा। ये तू चाहना मेरे नाल मेरा बा मेरा अल्लाह नाराज मेरा अल्लाह राजी हो जाए मेरा अल्लाह नाराज ना होवे अपने बाप नु नाराज ना कर लाओ अपने बाप नु खुश कर लेना अपने बाप नु राजी रखना। जे तेरा बाप राजी होएगा अरसा ते परवरदिगार राजी होएगा बाप सिरां दे ताज ने हुंदे वीर मरण कंड खाली। आ मेरे अकीरा थोड़ा जिहा गौर कर लाओ जे तू कहना के मां दुनिया के अंदर ऐसी हस्ती है कि इन्हें पैरों के थले जन्नत जन्नत और मुसलमानों आओ सरा इन्हों लफ्जा से गौर कर लाओ ये कौन है जिदे बारे मैं ऐलान कर लगा ये तेरी जन्नत तेरे बाप दया कदमा के थले या तेरी जन्नत तेरी माँ दया कदमा के थले हाय हाय तेरी जन्नत तेरी माँ दया पैर के अंदर तेरी माँ दया पैर के थले तवज्जो अगले लफ्जा वाल ये जड़ी तेरी माँ है ये जड़ी तेरी जन्नत है ये जड़ी तेरी जन्नत है पैर के थले जन्नत ये तेरी जन्नत है जन्नत है जिदी जन्नत तेरे बाप दियाँ खुशियां अंदर तेरे बाप दियाँ खिदमतां ते अंदर जे औरत खामत दी सौहर दी फरमा बरदार ताबेदार होएगी मेरा अल्लाह जन्नत भी अता करेगा जन्नत दियाँ होरां दी सरदारी भी अता करेगा। इस वास्ते मैं इजहार कराओ बड़ी मोहब्बत बड़ी मवद्दत बड़े प्यार नाल पैगामे मोहब्बत दे जावां ये बाप ही इहदी खिदमत करे आ कर इहदे नाल प्यार करे आ कर इहदी तज़ीम तौकीर करे आ कर तवज्जो अगली गल वल कि ये बाप है जिहदियां असमतां जिहदियां शानां जिहदा मुकाम ते वकार मैं वेख्या रब दे कुरान अंदर आ मेरे अपीरा ये कौन है तवज्जो करना इहनां लफ्ज़ां वल अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द हम्दन कसीरा आ मेरे अपीरा जदों मैं तकिया जदों मैं वेख्या ये कौन है जेड़ा कदम उठा रहा आ मेरे अपीरा ये कौन है जिदे घर के अंदर आवाजा सदावान लग गई एदा बेटा आया आके घर अंदर कहना बाबा मेरिया जनाब 50,000 फीस है मेरी अकल 1,00,000 फीस है। ये बाप ने आख्या परेशान ना होवी जितों तक मैं सिंदा परेशानिया की जरूरत कोई नहीं आ मेरे अपीरा बेटी नू पढ़ाया इसे बाबे ने पढ़ाया बेटे नू परवान चढ़ाया पढ़ाया ते इसे सही बाबे ने पढ़ाया ये तेरे घर का जेड़ा चंदरा तेरे घर का जेड़ा रखवाला तेरे घर का जेड़ा ताला जितों ये ताला टुट गया जितों ये ताला टुट गया जितों ये दरखत कुटिया गया अल्लाह की कसम मैं घर उजड़ते वेखे ने मैं घर के अंदर फिरानियां वेखिया ये बाप है जेड़ा कहिंदा कि मैं जनाब पहलवान आओ मेरा बेटा मेरे तो से आदाओ तरक्कियां करे मैं आलिम मेरा बेटा मेरे तो बड़ा आलिम बने ये बाप भी है जेड़ा तेनू अपने आप तो से आदाओ तरक्कियां के अंदर वेखना चाहता इज्जत अजमत के अंदर वेखना चाहता जो मैं ये सब कुछ वेखे आओ तो मेरी अकल ने आख्या कि घर के अंदर जो तक तेरा बाप है इन्हें तेरिया खुशियां पूरिया कीतिया ये तेरा बाप है जिन्हें तेरिया शादियां कीतिया तू ट्रिप ते निकले आओ सैरो तकलील ही निकले आओ तेनू 10,000 देन तो बाद तू मंगिया 10,000 इन्हें जनाब आख्या बेटा आ 1,000 वद लै लाओ 5,000 वद लै जाओ ओदी वजह के तेरे नाल तेरिया दोस्त आओ तेरिया सज्जना ते बेलियां भी होना उन्होंने मूँह वाल ना वेखी उन्होंने खिलाई पिलाई तेरी इज्जत आ मेरे
फकीरा ये कौन है जिन्हें इस तरह का तेरे नाल प्यार किया, इस तरह दिया मुहब्बत की आओ। आ मेरे अकीरा तेरा खुंबा कबीला शिकायत लैके आया, पुत्र थिया ऐबा वाले, पुत्र थिया ऐबा वाले ते माँ प्यो ऐब छुपावन, पुत्र थिया ऐबा वाले ते माँ प्यो ऐब छुपा छुपावन। आ मेरे अकीरा जदों मैं वेखे आओ ये बाप तेरे सा नाल सा लैंदा, ये बाप तेरिया सावान नाल अपनिया सावान जोड़ चुके आए। आ मेरे अकीरा पहले नंबर ते मेरा आओ, अज दा मुवक्कफ ते अज दी दावत अज दा पैगाम ए वे कि औरत नूं इज्जत दित्ती इस्लाम ने, औरत नूं मकाम दित्ता इस्लाम ने, लेकिन औरत नूं पढ़ा ना दे गुलत मुबालगे तो कम ना लै कि जिहड़ी बेटी दी असमत कदी जिंदगी रही ते मां दी गल करांगे, फिर कदी आया भुलिया चुकिया तुसा सदरिया कदी भुलिया चुकिया जिंदगी दे अंदर, ते फिर गल होएगी कि पुत्र पुत्र ही है, पुत्र बोलो ते सही, पुत्र नहीं बोलना या अल्लाह इन्हों फिर भी पुत्र ही दे, अल्लाह इन्हों फिर भी बेटे ही दे, ये बोलन ना बोलन असा बयान किया इन्हों बेटी की असमत नू इन्ना बयान किया। शाह मोहतरम तशरीफ फरमान है, मैं इशारा करन लगा कि शुरू तो लैके गैर मुस्लिम ताकत ने औरत नू तहफ्फुज़ दिता है ते बंदियां नू ज़बह किया। सूरह कसस गालिबन दो नंबर आया थे मेरा ख्याल है, पहली आयात चो दो नंबर आयात या तीन नंबर होएगी, बच्चियां नू ज़बा कीता है ते बच्चियां नू छड़िया है। इस वास्ते कदी जिंदगी रही ते मैं फिर गल करांगा असा बेटी दी अजमत इन्नी बयान कीती, बेचारा नमाणा कहिंदा या अल्लाह बेटी दे दे, अल्लाह बेटी दे दे, जदों भी नबिया मंगिया की मंगिया बोलो बस ठीक है यार, जिन्ना को तुसी बोले हो उन्ना को मैं भी बोल लिया। मैं नाराज़ होके वैसे जा रहा जे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।